कलर के पास चलते हैं। नमस्कार, ये क्रिकेट है आईपीएल, हाँ पूरा क्रिकेट है ना, पूरा इंडिया से बंद कराने का है और जितना देश का पैसा का हिस्सा है कितनी क्रिकेटर लोग लूटते हैं और कितने एक मैच के पीछे कम से कम 20 करोड़ लोग उसके पीछे दिन रात देखते रहते हैं। वो लोग इतना लोग अगर 20 करोड़ लोग एक दिन में काम करेंगे इसको फायदा होगा। बिल्कुल धन्यवाद। हम आपको कुछ पुराने वीडियो सारे सुना तो नहीं पाएंगे क्योंकि हमने कई बातें कही थी, लेकिन कुछ वीडियो जो हमने आपके सामने दिखाते हैं कि हमने कब कब क्या कहा था। पूरे दुनिया में जब शुरू हुआ या पिछले कुछ सालों तक भद्रजनों का खेल कहा जाता था, इसीलिए इसमें सफेद कपड़े पहनने का भी रिवाज था, लेकिन ये भद्रजनों का खेल अब अभद्रजनों का हो गया है और इसमें ऐसी ऐसी हरकतें हो रही हैं जो शायद अभद्रजन भी करने के लिए शर्मा जाए। पहले क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ियों के साथ उनके पत्नी को लेके जाने में प्रतिबंध था और आईपीएल में खेल रहे अविवाहित खिलाड़ियों को भी लड़कियां परोसने का आरोप लग रहा है। लड़की नहीं मिली तो दूसरे की मंगेतर पर बलात्कार करने का प्रयास का भी आरोप लग रहा है और मंगेतर भी ऐसे विदेशी संशयित लड़की के साथ आरोप लगा रहा है जिसके ऊपर मैच फिक्सिंग का आरोप भी हो सकता है। ब्लैकमेलिंग से लेके सब कुछ काला ये खेल सफेद भद्रजनों का कैसे हो सकता है, इसलिए इसको बंद कर देना चाहिए। वैसे तो क्रिकेट को धर्म कहना ही अनुचित है, हम इसका विरोध करते हैं, लेकिन एक तरफ आप क्रिकेट को धर्म कहते हो तो दूसरे तरफ उसके खेल में ही ऐसे अधार्मिक कृत्य कैसे कर सकते हो। धर्म कहना और दूसरी तरफ उसका मनोरंजन कहना यह कितना सही है। इसी गंदे खेल को रेव पार्टियों से भी गंदा खेल इन मैचेस के बाद नाइट पार्टीज में होता है और वो भी इतनी लेट नाइट पार्टीज जो सवेरे तक चलती है। स्पॉन्सरर खिलाड़ियों को उस पार्टी में आने के लिए बाध्य करते हैं, कम से कम 2 घंटे खिलाड़ी को उसमें आना अनिवार्य है। एक तरफ रेव पार्टियों के ऊपर तो रेड हो रही है, लेकिन मंत्री अधिकारी सांसद और बड़े बड़े उद्योगपतियों के द्वारा चल रही ये खुलेआम रेव पार्टियों का। ये ऐसे कई वीडियो हमने आपके अपने सुदर्शन पर देखे होंगे और हम लगातार ये बातें आपके सामने इसलिए लेकर आ रहे हैं क्योंकि हमको पता था ये सच है और सच को बार बार कहना पड़ता है, ये दुर्भाग्य है, लेकिन वो बार बार कहने में सुनने में भले ही कुछ दिनों तक अटपटा लगे, लेकिन ये सच सच जब साबित होता है तो वो सच को आँच नहीं जो कहते हैं। यही बात होने के कारण हम लगातार आईपीएल के खिलाफ बोल रहे हैं। कॉलर नमस्कार। सर मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। हाँ सर सूरज जी नमस्कार, बोलिए। सर ये रायपुर हम छत्तीसगढ़ में हमारे कभी आईपीएल मैच नहीं होता था, इस बार यहाँ पे भी मैच हुआ है। हाँ यहाँ पर सर जो यहाँ का जो अध्यक्ष है छत्तीसगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन के, यहाँ के बहुत बड़े शराब व्यवसायी है। हाँ और वो सर यहाँ पर जो किस्से बांटे हैं सर विधायकों को दिए हैं सर, 11-11 किस्ते हर विधायक को दिए हैं जो, और सर वो अपना शराब का प्रमोशन करने के लिए उन्होंने सर स्कीम चलाया था यहाँ पे, जो 100 पेटी शराब बेचेगा विजय माल्या कंपनी का उसको 1 टिकट फ्री दिया जाएगा। सर ये सब क्या है सर, शराब का प्रमोशन आईपीएल के जरिए हो रहा है सर। बिल्कुल धन्यवाद। देखिए आप खुद देख रहे हैं, आप खुद सुन रहे हैं कि जहां पर मैचेस हो रहे हैं वहां पर किस किस प्रकार के ऑफर्स दिए जा रहे हैं, कोई सज्जनता फैलाने के लिए नहीं, क्रिकेट फैलाने के लिए नहीं, शराब का व्यवसाय ज्यादा चलवाने के लिए विजय माल्या इसका उपयोग कर रहा है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार बोलिए, क्या कहना है। हाँ हाँ सर ये आईपीएल के बारे में जो बता रहे ना। हेलो बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप। अरे सर हम बोलना चाहते हैं कि ये मैच जो फिक्सिंग चला। चलिए धन्यवाद, हम आपको उपाय दिखाते हैं कि क्या उपाय हो सकते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर आईपीएल को तुरंत बैन किया जाए। जिस तरह से आईपीएल आए दिन विवादों में घिरता जा रहा है, नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं, ऐसे में आईपीएल को बैन करने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। दागी खिलाड़ियों पे कड़ी कार्रवाई की जाए,
आईपीएल में ऐसा ही नहीं है कि मैच ही फिक्स हो रहे हों, इसके अलावा भी खिलाड़ी कई दूसरे अपराध भी कर रहे हैं। रेव पार्टियों में खिलाड़ियों का पकड़ा जाना इस बात को और ज्यादा मजबूत कर रहा है। ऐसे में इन खिलाड़ियों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जरूरत है ताकि आगे कोई इसके बारे में सोच भी ना सके। मैच के बाद होने वाली नाइट पार्टियों पर प्रतिबंध लगे। मैच के बाद होने वाली नाइट पार्टियां सिर्फ पार्टियों तक ही सीमित नहीं है, ये पार्टियां पूरी तरह से जिस्म फरोशी का अड्डा बन चुकी हैं। इन्होंने ही भारतीय क्रिकेटरों को शराब, शबाब और धन का लालची बना दिया है। अर्धनग्न चीयर लीडर्स का डांस बंद किया जाए। लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके फ्रेंचाइजी मालिक विदेशी बार बालाओं को इसलिए लाते हैं क्योंकि वो चौकों छक्कों पर अर्धनग्न अवस्था में डांस कर सकें। वैसे ये डांस तो केवल दिखावा है, लेकिन इन चीयर लीडर्स की सच्चाई आप सब महसूस करते हैं कि इनका असली काम क्या है। राष्ट्रवादी आके आकर आईपीएल का विरोध करे। आईपीएल न सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है बल्कि विदेशियों और भारत के दुश्मनों को भी अंधी कमाई के साथ कमजोर करने का भी मौका दे रहा है। इससे न सिर्फ हमारी संस्कृति कमजोर हो रही है बल्कि हमारा युवा भी पथभ्रष्ट होता जा रहा है। इसलिए आज लोगों को आईपीएल के खिलाफ जागरूक होने की जरूरत। कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार, मैं महेंद्र सिंह सोलंकी मध्य प्रदेश से बोल रहा था। बोलिए सर। मेरा निवेदन है आईपीएल खेल बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, इसको नौजवान को दिशा और दिशा दोनों बिगाड़ रहा है। इसलिए इसको तुरंत बंद कर देना चाहिए सर, इससे क्या फायदा देश को। बिल्कुल धन्यवाद। हम आपको एमएमएस दिखाते हैं, क्या कहते हैं आपके एमएमएस, देखिए। आईपीएल पे प्रतिबंध लगना चाहिए, फिक्सिंग पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो बीसीसीआई है वो बिल्कुल फिक्सिंग की तरफ ध्यान दे। ये तो एक आईपीएल तो एक बिजनेस पर्पज से चल रहा है, लेकिन जो हमारी टीम इंडिया है उसके लिए जो है हमें। ये प्रतिक्रिया है लोगों की और आप तक पहुंचने वाली है सारी प्रतिक्रिया इस कार्यक्रम में। एक कॉलर ने केवल यह कहा कि इसका स्वरूप बदलो, प्रतिभाओं को आगे आने का मौका इससे मिलता है। हम ऐसे भ्रम में ना रहें, ये प्रतिभा नहीं है, ये तो उन लालची लोगों को एकत्र करने का काम है जो अपने लालच के हवस के पूर्ति के लिए कहीं पर भी जा सकते हैं। कॉलर के पास चलते हैं। हेलो, बोलिए। हाँ नमस्कार सर जी। नमस्कार, बोल रहा हूँ बैंगलोर से। हाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जैसा, मैं आईपीएल के सख्त विरोधी हूँ, पर आईपीएल मैच में आज जैसा राजस्थान का मैच चल रहा है, ठीक है। हाँ। ये राजस्थान का आखिरी मैच है और इस टीम में नौ मैचेज है, नौ टीमें हैं, नौ टीम में ये राजस्थान का आखिरी मैच है, ठीक है। और बाकी आठ टीम का एक एक मैच बचा हुआ है, तो क्या ये भी फिक्स हो सकता है कि मतलब जिन्होंने टाइम शेड्यूल फिक्स किया है वो जानते हो कुछ वैसा, और इन्होंने जानबूझकर ये मैच पहले ही फिक्स किया है, फर्स्ट राजस्थान का मैच खत्म किया जा रहा है, इसके पीछे भी कुछ कारण हो सकता है क्या? कुछ किसी भी संभावना की कोई जिसको नहीं कहा जा सकता, आईपीएल में कुछ भी हो सकता है। वैसे तो कहा जाता है कि क्रिकेट में कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन वहां पर कम से कम ये तो संभव है कि एक बॉल पर ज्यादा से ज्यादा कितने रन बन सकते हैं, लेकिन रनों की तो लिमिट है। एक बॉल पे फिक्सिंग के कितने ज्यादा पैसे बन सकते हैं इसकी कोई लिमिट नहीं, क्योंकि वो बॉल कौन डाल रहा है, क्या फाइनल है, सेमीफाइनल है, सामने बैट्समैन कौन है, इसके ऊपर निर्भर है। आईपीएल में पैसे कमाने और स्ट्रेटजियों को इस बोली लगाने के लिए मौका देने के कई प्रकार सामने आए। एक ऐसा ही स्ट्रेटेजिक टाइम की बात जब सामने आई तो सुदर्शन ने सबसे पहले विरोध किया, दूसरे या तीसरे सेशन में शायद ये बात सामने आई थी और ये कहा गया कि टीवी चैनलों पर एडवर्टाइजमेंट ज्यादा चले और आईपीएल को फायदा हो, इसलिए ये स्ट्रेटेजिक टाइम दिया गया है और कहा गया कि खिलाड़ियों को भी इसमें योजना बनाने में उपयोग होता है। सचिन जैसे खिलाड़ियों ने कहा कि इसमें जो टेम्पो है वो टूटता है या जो लेंथ है या जो एक लिंक लगी है वो भी डिस्टर्ब होती है, लेकिन फिर भी ये स्ट्रेटेजिक टाइम दिया गया। वास्तविक स्ट्रेटेजिक टाइम इसलिए था कि आज जो भी लोग सट्टा लगा रहे हैं उनको बचे हुए समय में बॉल पर, ओवर पर, कितने बॉल में मैच जीतेगी, कौन जीतेगा, क्या होगा, इसके लिए सट्टा लगाने का, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बोली लगाने का टाइम मिले, ये इसके पीछे का बड़ा कारण था। आपने देखा जैसे
श्री संत ने या कई बाकी लोगों ने वहां पर इशारा किया और उसके बाद टाइम पास किया कि बोली ज्यादा लगे और जिन्होंने ये पैसे देकर फिक्सिंग की है उनको समय मिले ज्यादा से ज्यादा लोगों से बोली लगवाने का। यही ये स्ट्रैटेजिक टाइमिंग में होता है। इस कार्यक्रम के आखिर में मैं यही कहूंगा कि इस देश के तमाम माता पिता जो अपने बच्चों के साथ या बच्चों को मैदान में मैचेस देखने के लिए भेजते हैं, आप इसको पिकनिक के तौर पर मत लीजिए, क्योंकि पिकनिक मनाने के लिए आप किसी अच्छी जगह पर जाते हैं। ऐसा नंगा नाच जहां पर होता है वहां पर नहीं जाना चाहिए। अब इसका स्वरूप वैशालय जैसा हो गया है। परिवार के साथ अगर आप आईपीएल में जाएंगे तो लोग आपको बदनाम करेंगे, आपके तरफ देखने का नजरिया बदलेगा, और ऐसा आप करिए। ऐसे लोग बोलिए जो आईपीएल में जाकर आए हैं, उनको आप जरूर ये कहिए कि कहां गए थे, ये तुम्हारे जैसे सज्जन व्यक्ति की जाने की जगह नहीं है, आईपीएल को बायकॉट करना चाहिए। बचे हुए जितने भी मैचेस हैं उनके ऊपर अगर सरकार बैन नहीं लगाती तो लोगों ने टिकट नहीं खरीदने चाहिए, अपने घर में टीवी पर इस मैच को नहीं देखना चाहिए। और ऐसे विषयों का जब तक हम बहिष्कार नहीं करेंगे, हम जब तक उन मैचों का टीआरपी नहीं गिराएंगे, तब तक और जब तक मैचेस के टिकट बिकना बंद नहीं होंगे, ये बंद नहीं होगा। सरकार को इसको बंद करने की हिम्मत नहीं है, आप में है। तरीके से अगर करेंगे तो सब संभव है, लेकिन हम बातें करते हैं और करते कुछ नहीं, इसलिए यह नंगा नाच लगातार जारी है। हम आशा करते हैं कि कम से कम इस बार इतना सब खुलकर सामने आने के बाद भी हिंदुस्तान जागेगा, और इस जागने के बाद इनको बंद करना होगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।